आप सभी लोगों को मालूम होगा कि अभी Honor ने अपना नया फोन Honor 9X Pro लॉन्च किया था, और शायद ये बात भी मालूम होगी कि उस फोन के अंदर Google Play Store नहीं है और Google की कोई भी सर्विस नहीं है। अरे इसका मतलब ये होता है कि ना कि Play Store मिलेगा, ना ही Google की ऐप मिलेगी, ना ही Google Chrome मिलेगा, ना ही YouTube जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसकी ऐप भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और तो मैं आपको बताते चाहता हूँ, Facebook, Instagram, WhatsApp ये ऐप उस फोन के अंदर नहीं है, ना ही उस फोन के अंदर जो स्टोर, जो ऐप स्टोर दे रखा है ना, ऐप गैलरी, उसके अंदर भी चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। अब इसके पीछे का मेन रीज़न है US चाइना के बीच ट्रेड वॉर। पिछले साल जो Huawei के ऊपर जो बैन लगा था ना, उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, और आने वाले जितने भी Huawei और Honor के दूसरे फोन होंगे ना, उनमें भी आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलने वाली है। और उसकी जगह Huawei ने कुछ अलग चीज़ करी है, वो करा कि अपनी खुद की Huawei मीडिया सर्विसेज को डेवलप किया और Huawei की खुद की ऐप गैलरी डेवलप की है, लेकिन वो अभी भी एंड्रॉयड के ऊपर स्टिक है। वेल, इसका मतलब यह है कि जो एंड्रॉयड है ना, वो भले ही गूगल बनाती है, लेकिन वो एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। कोई भी कंपनी एंड्रॉयड को लेकर अपने हिसाब से कस्टमाइज करके अपने किसी भी फोन, मोबाइल फोन, टीवी, कहीं पर भी चलाना चाहे उसे चला सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एक ओपन सोर्स चीज़ है। लेकिन वहीं अगर उसे गूगल की सर्विसेज यूज़ करनी है, गूगल का प्ले स्टोर यूज़ करना है, गूगल की ऐप्स यूज़ करनी है, गूगल की काफ़ी सारी APIs है जिसका यूज़ करके गेम्स चलते हैं, काफ़ी सारी एप्लीकेशन इंक्लूडिंग बैंकिंग एप्स, अगर ये सब कुछ उसे यूज करना है गूगल का, तो उसे गूगल को रॉयल्टी भरनी पड़ती है, और गूगल है ना, वो चाहकर भी Huawei को ये एक्सेस नहीं दे सकती। तो इसका मतलब ये है कि जो एंड्रॉइड है ना, वो तो Huawei के पास है और Honor के पास है, लेकिन जो गूगल की एप्स है, गूगल का जो सपोर्ट है, गूगल ने जो API, जो स्पेशल चीजें डेवलप करी जिससे जो लोग हैं वो ज्यादा बेटर एंड्रॉइड फोन बना सके, वो चीज मिसिंग है Huawei और Honor के फोन से। और इसीलिए Huawei ने अपनी खुद की सर्विसेज और एप्लीकेशंस और APIs को डेवलप किया, यानी कि Huawei के फोन में आपको Huawei मीडिया सर्विसेज देखने को मिलती है, जहां गूगल में गूगल मीडिया सर्विसेज जिसे पॉपुलरली GMS भी कहा जाता है वो देखने को मिलता है। ठीक उसी का एक वर्जन क्रिएट करा HMS, और ये क्लेम किया कि जो HMS है ना, वो ज्यादा बेटर है गूगल के कंपेरिजन में, और जहां गूगल प्ले स्टोर था वहां पर Huawei ने अपनी खुद की ऐप गैलरी बनाई है, जिसका मतलब यह कि ऐप गैलरी के अंदर आपको काफी सारी ऐप्स देखने को मिलेंगी जो डाउनलोड करना चाहते हैं, और डेफिनेटली एंड्रॉइड सारी एप्लीकेशन की APKs उसमें अवेलेबल है, ऑटोमेटिकली वो उसके अंदर इंस्टॉल हो जाएंगी। मतलब कहने का ये है कि Huawei ने अपना खुद का एक प्ले स्टोर जैसा बना लिया है। लेकिन मैं आप लोग एक बात बताना चाहता हूं, Huawei के अंदर जो प्ले स्टोर है ना, उसके अंदर आपको मेजोरिटी एप्स तो देखने को मिल जाएंगी, लेकिन जो एक्सट्रीमली पॉपुलर एप्स हैं जो आपको अमेरिकन कंपनीज की देखने को मिलती है, जैसे YouTube, Facebook, ये सब देखने को नहीं मिलेगा। और तौर में आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, Huawei की जो ऐप गैलरी ना, उस पर आपको वही ऐप्स देखने को मिलेंगी जहाँ पे जो डेवलपर से वो तैयार है अपनी ऐप को पब्लिश करने के लिए। काफ़ी सारे ऐसे डेवलपर्स हैं जो कि नए डेवलपर होंगे, जिनको Huawei की ऐप के अंदर थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा, तो वो अपनी ऐप को वहाँ पे पब्लिश करेंगे। लेकिन जितना बड़ा कैटलॉग ऑलरेडी गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है ना, वैसा जो कैटलॉग है ना, वो Huawei की ऐप गैलरी के अंदर अवेलेबल नहीं है। ये एक सोचने वाली बात है। तो जो ऐप्स के मामले में जो विनर है ना, वो तो डेफिनेटली गूगल हो जाता है। लेकिन ऐसी जगह जहां पे Huawei ने क्लेम किया कि वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो ये है कि जो Huawei है ना, वो ज्यादा बेटर सर्विस प्रोवाइड करेगी। अरे मतलब ये कहने का, जैसे Huawei के अंदर HMS देखने को मिल रहा है, तो उसे Huawei ने खुद डेवलप किया। Huawei के फोन्स के अंदर जो आपको क्रिन प्रोसेसर होता है वो आपको खुद देखने को मिलता है। तो यानी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, API सब पे अगर अच्छा कंट्रोल होगा, तो आपको एप्स के अंदर ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। ये काफी हद तक iOS जैसा ही है। iOS के अंदर क्या रहता है, एप्पल हार्डवेयर भी बनाती है, उसका सॉफ्टवेयर भी बनाती है, अंदर की चिप्स भी बनाती है। बाकी दूसरे एंड्रॉइड कंपनीज क्या करती है, क्वालकॉम से प्रोसेसर लेती है, गूगल का एंड्रॉइड लेती है, किसी तीसरी कंपनी की फैक्ट्री में उसे बनाती है, और किसी चौथे आदमी की ऐप उस पर रन करती है। इसलिए जो एक्सपीरियंस एंड्रॉइड में वो कंसिस्टेंट नहीं हो पाता। और यहाँ पे जो Huawei ना, वो इस चीज़ को फिक्स करने की कोशिश करे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम खुद बनाएं, और वैसा ही एक्सपीरियंस, वैसी ही यूजर फ्रेंडलीनेस प्रोवाइड करे जैसी आपको आईफोन के अंदर देखने को मिलती है। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। और इसलिए कहा जा रहा है कि Huawei के फोन्स के अंदर जो आपको ऐप्स देखने को मिलेंगी, स्पेशली ऐप गैलरी के अंदर, वो Huawei की HMS सर्विस का यूज करेंगी, और वो कंपैरेटिवली दूसरे एंड्रॉइड फोन के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे परफॉर्म करेंगी। वेल, ये चीज उन्होंने क्लेम करी है। एक काफी अच्छा एग्जांपल इसका है कि जो इंस्टाग्राम होता है वो आईफोन में देखो, आईफोन में जो इंस्टाग्राम है ना, वो कैमरे के साथ अच्छे तरीके से काम करता है, और इंस्टाग्राम की ऐप से अगर आप कोई फोटोग्राफ लेते हो ना, बहुत अच्छे से काम करती है। लेकिन वहीं अगर आप किसी भी एंड्रॉइड फोन में लो और उसमें इंस्टाग्राम डालो, तो उसकी क्वालिटी है ना, वो उतनी अच्छी नहीं होती जितनी आप उसके स्टॉक कैमरा से ले सकते हैं। और फोन के अंदर मल्टीपल कैमरा है ना, वाइड एंगल और टेलीफोटो, वो तो डायरेक्टली जो इंस्टाग्राम ऐप है ना, उसमें डायरेक्टली यूज होते भी नहीं है।
ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो एंड्रॉयड फेस कर रहे थे, और हो सकता है इस टाइप की जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है ना वो हुआवे प्रोवाइड करे। और जो हुआवे है ना उसकी प्लानिंग तो ऐसी कि अभी तो वो एंड्रॉयड के साथ स्टिक रहेंगे जो कि एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, आने वाले समय हार्मनी ओएस लेके आएंगे जिसे हॉन्गमैंग ओएस भी कहा जा रहा है, जो कि आईओटी डिवाइस और डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस है। अरे मतलब यह कहने का कि अभी हुआवे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसके अंदर हॉन्गमैंग ओएस जो हार्मनी ओएस है वो डला हुआ है, जैसे ऑनर का टीवी ले लो या इनके कुछ आईओटी बेस्ड प्रोडक्ट्स ले लो, उसके अंदर आपको हार्मनी ओएस देखने को मिलेगा। लेकिन आगे चल के हुआवे की प्लानिंग ऐसी कि धीरे धीरे से फोन के अंदर भी इंप्लीमेंट किया जाए, और जो अभी एंड्रॉयड से बंधे हुए ना वो एंड्रॉयड की बंदिश हटा के कंप्लीटली हार्मनी ओएस पे स्विच करते हैं, कुछ ऐसी प्लानिंग है। और तो और वो दूसरी चाइनीज कंपनीज के साथ भी बात करें जैसे ओप्पो, वीवो, यहाँ तक कि शाओमी के साथ भी, ताकि उनके भी कुछ ऐसे फोन्स निकाले जा सके जिनमें हार्मनी ओएस हो। तो देखा जाए तो जो हुआवे है वो बड़े प्लान कर रहे हैं कि हार्मनी ओएस के साथ आने वाले कुछ सालों के अंदर वो अपने मल्टीपल फोन्स निकालो, मल्टीपल कंपनीज के फोन्स के अंदर हार्मनी ओएस देखने को मिले। लेकिन मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ, ये बात बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर की, करंटली अभी के समय में तो ऐसा नहीं होने वाला। अभी के समय में जो हुआवे है वो एंड्रॉयड पे स्टिक कर रहे हैं, और एंड्रॉयड बेस्ड ही जो आपको EMUI वो देखने को मिलेगा हुआवे और ऑनर के फोन्स के अंदर। वही बात करें ऐप्स के ऑप्टिमाइजेशन की, हुआवे ने क्लेम किया कि HMS का यूज़ करके ऐप्स के अंदर ऑप्टिमाइजेशन अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन करंटली एक भी ऐसी ऐप नहीं है जिसे आप उस अच्छे ऑप्टिमाइजेशन के साथ यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि जो ऐप्स हैं जो आपकी हुआवे ऐप गैलरी में मौजूद है ना वो एग्जैक्ट वैसे ही परफॉर्म करेगी जैसे किसी नॉर्मल एंड्रॉयड फोन में करती है, और वैसे ही आपको हुआवे और ऑनर के फोन में देखने को मिलेगी। अभी कोई ऐसा बड़ा एडवांटेज नहीं आया, लेकिन अगर आगे चल के कोई डेवलपर है जो सिर्फ हुआवे के फोन के लिए अगर ऐप डेवलप करता है तो वहां पे आपको एक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन जनरली ऐसे केस में होने नहीं वाला। और अभी मैंने इंस्टाग्राम का एग्जाम्पल लिया था ना, तो इंस्टाग्राम के साथ यह है कि वो अमेरिकन कंपनी है, अगर वो चाहे हुआवे के साथ काम करना तो भी जो ट्रेड बैन लगाए ना आपस में उसके कारण इंस्टाग्राम डायरेक्टली हुआवे के साथ काम नहीं कर सकते, और अपनी आपको उसके लिए स्पेशली ऑप्टिमाइज नहीं कर सकती। यहां तक कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जो है ना ये तो ऐप है ना आपको ऐप गैलरी में कभी देखने को मिलने वाली भी नहीं है। लेकिन अच्छी बात है कि उसके अंदर आप APKs वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे कि अगर आपने फोन लिया अगर उस पर यूट्यूब की APK डाल ली है तो वो डालना पॉसिबल है, इंस्टाग्राम की APK डाल ली है, फेसबुक की APK डाल ली है, ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। लेकिन आप अगर सोच रहे हो कि मेजॉरिटी ऐप्स अगर उसमें देखने को मिलेंगी ऐप गैलरी में, ऐसा नहीं होने वाला है। काफी सारी ऐप्स जो है वो हमेशा से मिसिंग रहेंगी, यहां तक कि ऐप्स की जो परफॉर्मेंस है ना कुछ ऐप्स की हो सकता है अच्छी रहे, लेकिन ज्यादातर जो मेजॉरिटी ऐप्स हैं जिसका सब लोग यूज करते हैं ना उनमें आपको कोई बड़ा भारी डिफरेंस देखने को मिलने नहीं वाला, क्योंकि बहुत ही कम चांस है कि हुआवे के लिए स्पेशली कोई डेवलपर आगे से आए और अपनी ऐप को ऑप्टिमाइज करे। स्पेशली अमेरिकन डेवलपर्स तो आने नहीं वाले, तो आप भूल जाओ कि आपको इंस्टाग्राम के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी हुआवे के फोन के अंदर। इस टाइप की चीजें iOS के साथ हो सकती है, हुआवे के साथ होना उतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है। और तो और आने वाले समय में यह रहे कि हुआवे और ऑनर के ऐसे बहुत सारे फोन आएंगे जिसमें ऐप गैलरी होगी, डेफिनेटली मेरे को लगता है कि ऐप गैलरी के अंदर ऐप्स बढ़ेंगी, लेकिन जो अमेरिकन ऐप्स है ना उनकी एंट्री होने नहीं वाली। तो कहने की बात यह कि हुआवे तो पूरा प्लान कर रहे हैं कि एंड्रॉयड का यूज करके हम आगे बढ़े और आगे अपने फोन के अंदर काफी बढ़िया से बढ़िया ऐप्स डाल कर दे और उसे दूसरे एंड्रॉयड फोन के कॉम्पिटिशन में उतारे। तो ये हुआवे की कहानी है। लेकिन हुआवे ये भूल गई कि उसे कहीं ना कहीं गूगल पे भी डिपेंड करना पड़ता है, यहां तक कि जैसे काफी सारी ऐप्स इंक्लूडिंग बैंकिंग ऐप्स हो गई या फिर कुछ ऐसे गेम्स होते हैं ना जहां पे आपको गूगल प्ले गेम्स का अकाउंट चाहिए होता है, तो ये जो सारी चीजें ना ये हुआवे के फोन के साथ काम नहीं करेंगी, ये बात आप सोच के रखिए। क्योंकि हुआवे के अंदर जो गूगल की मीडिया सर्विसेज, जो गूगल की ऐप्स होती है या फिर गूगल की जो APIs होती है उसका सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, इसलिए जो इनकम्पेटिबिलिटी काफी सारी ऐप्स की जो गूगल की सर्विसेज पर रिलाई करते हैं वो देखने को नहीं मिलेंगी। और हाँ, इसके अंदर काफी सारी बैंकिंग ऐप्स भी आती जो कि गूगल की APIs का यूज करती है, ये एक सोचने वाली बात है। और तो जो एंड्रॉयड है वो भी उसके ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि अगर गूगल अगर एक नया एंड्रॉयड वर्जन निकालता है आने वाले समय में, जैसे कि एंड्रॉयड 11 को निकालता है, और एंड्रॉयड 11 जब निकालेगा फिर वो ओपन सोर्स होगा, उसके बाद हुआवे से मॉडिफाई करके EMUI बनाएगा, तो इस कारण से रहेगा कि जो अपडेट्स है वो लेट हो जाएंगी। यानी आज के समय हुआवे और ऑनर के फोन से जो पुराने एंड्रॉयड वर्जन पे चल रहा है और नया एंड्रॉयड वर्जन जो कि अभी लेटेस्ट 10 चल रहा है उसका अपडेट कब आएगा पता नहीं, और एंड्रॉयड 11 अगर फ्यूचर में आए तो उसका अपडेट आपको कब देखने को मिलेगा इसका भी कुछ अंदाजा नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अभी इस समय हुआवे और जो ऑनर है वो जो चाइना के ऊपर जो ट्रेड बैन लगाना उसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं एंड्रॉयड और अपनी खुद की ऐप गैलरी बना के। लेकिन इसके बाद एक मेन सवाल आता है, क्या आप लोगों को इनका फोन लेना चाहिए? वेल, सच सच बता रहा हूं, मैं तो अभी सजेस्ट करूंगा कि हुआवे और ऑनर के फोन से अभी थोड़ा सा दूर रहो, यानी कि हुआवे के ऑनर को फोन को पीछे बैठ के ऑब्जर्व करो कि ऐप गैलरी कैसे, इनके फोन के अंदर सॉफ्टवेयर कैसे, अपडेट टाइम पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कितनी ऐप्स अवेलेबल है, बाकी जो दूसरी ऐप्स है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है,
कोई अगर APK डाली तो उसका कितने अच्छे तरीके से कंपेटेबल है, क्योंकि सारी जो एप्स है ना वो तो कंपेटेबल नहीं होने वाली, कुछ ऐसी एप्स होंगी जो उस फोन के साथ इनकम्पेटेबल भी होंगी। तो पीछे बैठ के थोड़ा वेट करो, देखो सिचुएशन कैसी है, और फिलहाल के लिए Huawei और Honor के फोन्स अभी मैं रिकमेंड नहीं करता। आने वाले फ्यूचर में देखते हैं, अगर इनकी सिचुएशन इंप्रूव होती है, ऐप गैलरी इंप्रूव होती है, फिर हम देखते हैं आगे चल के इनकी कहानी क्या रहती है, और फिर देखा जाए तो Huawei Honor के अगर अच्छे फोन आएंगे तो उनको रिकमेंड करने में मजा आएगा। लेकिन अभी सिर्फ हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन के दम पे ऐसे फोन को रिकमेंड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जब कंपनी के साथ कुछ इस टाइप की सिचुएशन जुड़ी हो। वैसे आप लोगों का ख्याल है Huawei Honor के फोन के बारे में, आप लोगों को Huawei की ऐप गैलरी कैसी लगती है या फिर गूगल प्ले स्टोर आप लोगों को पसंद है, जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज मुझे बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। और आप में से काफी सारे ऐसे लोग हैं, मतलब मैं आप लोगों को बताता रहा, ऑलमोस्ट 60% जो इस चैनल को देखते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, लाइक भी कर देते हैं काफी सारे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार आप लोग सब्सक्राइब करो यार चैनल को, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियो काफी ज्यादा आने वाले चैनल पे। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, गुड बाय।